कुमराज से। कृषि उपज मंडी कुमराज में आज माननीय विधायक साहब छोटे राजा साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी ने महंगाई बिजली कटौती नगर परिषद कुमराज में साफ सफाई न होने से आम जनता की परेशानी को देखते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने तहसील पहुंचे, परंतु तहसील में तहसीलदार महोदय जी नहीं मिले, इसलिए माननीय विधायक साहब जी ने तहसीलदार जी को पलायन अधिकारी बताते हुए अपने भाषण में बताया कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहीं बिजली कटौती पर भी निशाना साधते हुए बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली के बिल तो बहुत आ रहे हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे कि किसान को कृषि कार्य में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कुमराज में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने कुमराज में ICICI शाखा उपलब्ध कराने हेतु माननीय विधायक साहब जी को ज्ञापन दिया। कृषि उपज मंडी कुमराज में CCTV कैमरा लगवाने की भी बात रखी। इस कार्यक्रम में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्री रामदास सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि हेमंत उपाध्याय, जगदीश शर्मा, पर्वत सिंह मीना, सुरेंद्र सिंह चौहान, भूरा पठान, विनोद शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुमराज से संवाददाता दिनेश बैरागी की खास रिपोर्ट। 2023 के चुनाव में हम लोग जाकर लेंगे और चमचागिरी क्या समझ रखा है? प्रदेश की जनता के साथ मजाक अपमान है, संविधान का अपमान। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो संविधान के साथ खड़ी रही है। संविधान को बचाने के लिए जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। अब आज ज्ञापन हमको देना था तो तहसीलदार भी गायब। इन सब का नाम अपन रख देते पलायन अधिकारी। जब जब आंदोलन कांग्रेस ने किया सब भाग जाता। मैं दौरे पे जाता हूँ, कहता हूँ भाई ये जरा दौरा है हमारा, एक दो अधिकारी साथ रहो। और इसलिए नहीं कि कोई मेरी चाहता हूँ कि मैं अधिकारी मेरे साथ, इसलिए कि भाई वहाँ मौके पे समाधान करो। जनता की समस्या है, हैंडपंप नहीं है वहाँ समाधान करो, बिजली नहीं आ रही समाधान करो, सड़क नहीं बन रही समाधान करो, इलाज नहीं हो रहा समाधान करो, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही समाधान करो, इसलिए बुलाता हूँ। लेकिन कोई नहीं आता, भग जाता। तो पलायन अधिकारी इनका नाम सबके, इनके घरों पे तख्ती लगा दो, पलायन अधिकारी भाग जाते हैं। आपका सामना नहीं कर पा रहे ये अधिकारी, और ये अधिकारी जो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं चुनाव में क्या सामना करेंगे आप? मीटिंग में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो इनके अधिकारियों के जो समर्थक है, मैं उनसे कह रहा हूं, अधिकारियों से नहीं कह रहा, अधिकारियों के समर्थक जो है भारतीय जनता पार्टी की, इनके कार्यकर्ता क्या सामना करेंगे? उनकी हिम्मत नहीं है, क्या बोलेंगे? अभी आ रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव, जहां जहां हम कांग्रेस पार्टी टिकट देकर हमारे साथियों को लड़ाएंगे, मैं दावे से कहता हूं 100% कांग्रेस की सीटें आएंगी। नगर पंचायत चुनाव आ रहे, बता दो कुमराज की नगर पंचायत में जनता की ताकत क्या होती है, उखाड़ दो एक एक वार्ड से इनको, और जांच कराएंगे या करोड़ों का घोटाला हुआ है पेयजल में, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है कुमराज में, करोड़ों रुपया, लेकिन पानी क्यों नहीं मिल रहा है? कहां गए करोड़ों रुपए? बीनागंज में वहां देखिए नाली खोद के छोड़ दी, भर नहीं रहे उसको। अब बारिश होगी कीचड़ होगा, बीमार पड़ेंगे लोग, क्यों नहीं भर रहे? वहां भी करोड़ों का घोटाला है। मधुसूदनगढ़ में जैसे तैसे मैंने खेच खाच के किया तो वहां जरूर पानी आ रहा है, क्योंकि वहां एक ऐसा व्यक्ति पंचायत, अब नगर पंचायत बनी पंचायत में ऐसा व्यक्ति जो जिसे अपन ने बनाया, वहां रोज पानी आ रहा है। वो पार्टी बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन वो कांग्रेस समर्थित है उस समय पंचायत, वो पानी दे रहा है, यही देख लो चांदवड़ा जिला में। उधर नगर पंचायत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी बैठी है, पानी नहीं आ रहा। एक मैंने और सुनी है नई बात, नगर पंचायतों में फाइल बनती, फाइल का मतलब ये है कि पैसा निकालना, कागज पे दिखाना और खा जाना, इसको फाइल बोलते हैं। इसको पकड़, मुझे लोगों ने बताया, यहाँ भी चल रही है फाइल है, यहाँ क्या 50,000 की फाइल चलती है कि 40,000 की? 50,000 की चलती,
ये भ्रष्टाचार का आलम देखिए, यानी अपने जेब में 50,000 डालने हैं, कुछ नहीं करना, एक कागज पे फाइल बनानी है, कोल्ड नेम फाइल, और 50,000 रुपया लेके डाल लो गुमराज नगर पंचायत के 50,000 जगह जेल में, तुम प्यासो मरो। जब एक एक की फाइल खोलेंगे आप नगर पंचायत में, कांग्रेस को बिठा दो, एक-एक इनकी फाइल खोलेंगे, एक-एक फाइल खोलेंगे, और इनकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे जो उन्होंने नगर पंचायत से खाया। चिंता मत करो। इसलिए साथियों, ये लड़ाई है, जारी रहेगी। भ्रष्टाचार हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, हम लोग लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।